तो आइए दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट टू हम देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको बताया था अर्थ माने पृथ्वी, पिल्स माने भरती है, हर माने उसकी, लैप माने गोद को, विद माने साथ में, प्लेजर्स मीन्स आनंद के साथ, ऑफ हर ओन अपनी इच्छा के अनुसार। दोस्तों इसका यह भी अभिप्राय है कि प्रकृति और पृथ्वी, इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के तत्वों का समावेश करती है, फल फूल इत्यादि आदि को उत्पन्न करती है, जिससे मनुष्य अपने जीवन में नई नई चीजों को सीख सके, नया इंसान बन सके, सामाजिक दृश्यों को वो देख सके और पृथ्वी पर उसके सुख के सभी संसाधन पृथ्वी माँ अपनी इच्छा के अनुसार ओरिजिनेट करती है। तो अर्थ फिल्स पृथ्वी बढ़ती है अपने सभी भूभागों को, अपने सभी खजानों को, मनुष्य के लिए प्रत्येक आनंद की चीज यहाँ पर वह उपलब्ध कराती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आगे चलते हैं। द होमली नर्स, वह एक घरेलू माँ की तरह, होमली नर्स एक माँ की तरह देखभाल करने वाली होती है, ऑल शी कैन, जो भी कुछ वह करती है अपने उस बच्चे के लिए, उस मनुष्य के लिए जो पृथ्वी पर जन्म ले चुका है, टू मेक, उसको बनाने के लिए, उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए, हर फॉस्टर चाइल्ड, अपना धात्री पुत्र, हर इनमेट मैन, ताकि वो एक इनमेट मैन बन जाए, मीन्स इज टू से पृथ्वी अपने खजानों को मनुष्य के लिए खोल देती है और एक घरेलू माँ की तरह, एक नर्स की तरह उसकी देखरेख करती है और वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने धात्री पुत्र को एक ऐसा पूर्ण मनुष्य बनाने का प्रयास करती है जिसमें वह सभी गुणों से संपन्न हो, वह प्राकृतिक तत्वों को समझता हो, उसमें चीजों को समझने की क्षमता हो। तो ऐसा पृथ्वी जो है अपने बच्चे के लिए, उस मनुष्य के लिए चाहती है, अपने इच्छाओं के अनुसार वह सभी चीजों को ओरिजिनेट करती है। तो द होमली नर्स डथ ऑल सी कैन, जो भी कुछ वो कर सकती है एक माँ की तरह, एक नर्स की तरह वो करती है। आइए आगे है दोस्तों, बिहोल्ड द चाइल्ड अमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लिस इज अ सिक्स ईयर डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहोल्ड, आइए देखें द चाइल्ड, उस बच्चे को, अमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लिस, अपने उन न्यू बॉर्न जो नए नए ओरिजिनेट हुए हैं, ब्लिसेस माने आनंद, अपने उन आनंद के मध्य हम उस नए बच्चे को देखते हैं, उसको उसकी खुशियों को देख करके हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या है वो, ए सिक्स ईयर डार्लिंग। दोस्तों ये लाइन थोड़ा कंट्रोल रखिएगा अपने ऊपर, कहीं आप इसको मिसमैच ना कर दें। ए सिक्स ईयर डार्लिंग, इसको आप लूसी पोएम्स के साथ कनेक्ट कर लेंगे, मिसमैचिंग हो जाएगी, लेकिन ये लाइन दी हुई है दोस्तों ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी में। सिक्स ईयर डार्लिंग, छह साल की प्यारी बच्ची या बच्चा, ऑफ ए पिग्मी साइज, छोटा सा पिग्मी साइज। तो बिहोल्ड माने देखना, द चाइल्ड माने बच्चे को, एमंग माने बीच में, किसके बीच में, उसके उन सभी आनंदों के बीच में जो उसे विभिन्न वस्तुओं से, विभिन्न तत्वों से प्राप्त होते हैं। अ सिक्स ईयर, छह साल का बच्चा, डार्लिंग स्वीट, और पिग्मी साइज, छोटा सा। तो ये लाइन भी दोस्तों कहां से ली गई है, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी से। अरे छह साल का बच्चा किस में आया है, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी में आया है, इसी तरह याद कर लो, छह साल का बच्चा पिग्मी साइज, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी। और देखिए ये तीन संज्ञाएं अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बच्चे को फिलोसफर कहा है, क्या कहा है, बेस्ट फिलोसफर कहा है, माइटी प्रॉफेट कहा है, सीर ब्लेस्ड कहा है, और ऑन हुम दोज ट्रुथ्स डू रेस्ट, ये तीन नाम दिए हैं, बेस्ट फिलोसफर, माइटी प्रॉफेट, सीर ब्लेस्ड। तो बेस्ट फिलोसफर और माइटी प्रॉफेट किस कविता में कहा है दोस्तों, तो सीधे सीधे आप इसको याद रखें, इसकी थ्योरी में ज्यादा नहीं बताना आपको चाहता, सीधे आपको याद रहेगा ये, बेस्ट फिलोसफर कह दिया है उस बच्चे को ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी में वर्ड्सवर्थ ने, माइटी प्रॉफिट कहा है, ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखें, दाउ बेस्ट फिलोसफर, माइटी प्रॉफिट,
किसके लिए कहा है? तो एक बच्चे के लिए कहा है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कई किताबों में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, लिखा रहता है कि हु सेड, किसने कहा है, कहा किसने, वर्ड्सवर्थ में कहा है, किस कविता में कहा है दोस्तों, तो ये भी आपको मालूम है किस कविता में कहा है। जी हां, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। दोस्तों यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा क्यों वो बेस्ट फिलोसफर कहता है। वो कहता है, ओ छोटे बच्चे, तुम तो बेस्ट फिलोसफर हो, सबसे बढ़िया दार्शनिक हो, क्योंकि अभी भी तुम उस प्रकाश की, उस प्रकाश का वर्णन कर सकते हो, उन चीजों को देख सकते हो और उनके बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो। माइटी प्रोफेट हो तुम तो, एक तो शक्तिशाली विद्वान व्यक्ति हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी उन झलकियों को देखने की क्षमता है जो दैवीय प्रकाश से संबंधित है। तो माइटी प्रॉफिट और सीर ब्लेस्ड और बेस्ट फिलोसफर, याद रखिएगा ये लाइन ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी की है। उसके बाद है दोस्तों, फुल सून दाय सोल शैल हैव हर अर्थली फ्राइट एंड कस्टम लाई अपॉन दी विद ए वेट हैवी एज फ्रस्ट एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट तो लाइन मुझे नहीं लग रही है दोस्तों, लेकिन कहीं दी होंगी, जब भी मैंने यहां मेंशन किया है तो फुल सून दाय सोल शैल हैव हर अर्थली फ्राइट, बहुत जल्दी से आपकी जो फ्राइट है, जो आपकी वर्क है, वो स्टार्ट हो जाएगा और आप इस संसार में फंस करके अपने उन कर्तव्यों को निर्वाह करने लगोगे जो इस संसार से जुड़े हुए हैं, और पुरानी यादें सब आपकी वो गायब हो जाएंगी। कस्टम लाई अपॉन, प्रथाएं आ जाएंगी, दी अपॉन ए वेट, और भारी भार आपकी जिम्मेदारी का आप पर आ जाएगा। आपको बहुत सारे रोल प्ले करने हैं दोस्तों, माँ का रोल प्ले करना है, बाप का रोल प्ले करना है, बहन का रोल प्ले करना है, पत्नी का रोल प्ले करना है, चाची का रोल प्ले करना है, बहुत सारे रोल्स हमको इस जीवन में प्ले करने होते हैं। कैंडिडेट एक है दोस्तों, रोल बहुत सारे हैं। तो देखिए क्या बात है, भगवान ने भी हमको मल्टीटास्कर बनाया है, मल्टीटास्किंग करने वाला बनाया है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर डाल दी जाएंगी, और जब वो जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर डाल दी जाएंगी तब हम पुरानी उन बचपन की दैवीय यादों को भूल जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हैवी वेट से आप याद रख सकते हैं, कस्टम लाई अपॉन दी विद ए वेट, तो आप पर वेट आ जाएगा, जिम्मेदारियों का वेट आ जाएगा तब जब आप बड़े हो जाएंगे, और बड़े होने का मतलब है कि आप बचपन की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, और ये आगे की जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली लाइनें मैंने बोली है उनमें से एक लाइन दोस्तों ये है, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं, पहले पढ़ देता हूं। नॉट फॉर दीज आई रेज द सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड प्रेज। कितनी सुंदर लाइन है, कितनी सुंदरता से कहा गया, नॉट फॉर दीज आई रेज, मैं इसलिए इन चीजों के लिए ये सब नहीं कह रहा हूं, मैं इन पंक्तियों की रचना नहीं कर रहा हूं, द सॉन्ग ऑफ थैंक्स, धन्यवाद अदा कर रहा हूं इस कविता के माध्यम से, एंड प्रेज और प्रशंसा कर रहा हूं। तो इनको ध्यान दीजिए और सुनिए मैं क्या इनका मीनिंग। तो यहां पर कहा जा रहा है दोस्तों, नॉट फॉर दीज, मैं यह जो कविता लिख रहा हूं ये केवल इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि मैं यहां बचपन का वर्णन करूं, द सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड प्रेज, और मैं जो धन्यवाद अदा कर रहा हूं और जो प्रशंसा कर रहा हूं वो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि केवल बचपन को इंगित करना, बल्कि बट फॉर दोज ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग, बल्कि उन सभी प्रश्नों के लिए जो बचपन से लेकर के आज तक मेरे मन को कचोटते हैं, मेरे मन में नए नए सवालों को जन्म देते हैं, उन सभी प्रश्नों के लिए मैं इस काव्य की रचना कर रहा हूं। तो नॉट फॉर दीज आई रेज द सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड प्रेज, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड सी द चिल्ड्रन स्पॉट अपॉन द शोर एंड हियर द माइटी वॉटर्स रोलिंग एवर मोर। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं एक शॉर्ट क्लिप बता दूं, यहां पर दिया हुआ चिल्ड्रन स्पोर्ट, बच्चों को स्पोर्ट करते हुए खेलते हुए नदी के किनारे पर देखना, एंड सी, और मैं देखता हूं द चिल्ड्रन, बच्चों को स्पोर्ट खेलते हुए अपॉन द शोर, नदी के किनारे पर, एंड हियर, समुद्र के किनारे पर,
एंड हियर, और मैं सुनता हूँ द माइटी वाटर, शक्तिशाली पानी की उस रोलिंग आवाज को जो पत्थरों से टकराने के बाद ओरिजिनेट होती है। तो मैं बच्चों को खेलते हुए भी देख रहा हूँ जो समुद्र के किनारे खेल रहे हैं और आनंद मना रहे हैं, और मैं उसको भी सुन रहा हूँ जो पत्थरों के टकराने से, जो पानी की आवाज है जो पत्थरों से वो टकराती है, तो जो आवाज उत्पन्न होती है शक्तिशाली आवाज, मैं उसको भी सुन रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ। तो ये भी आप कनेक्ट कर लीजिए, चिल्ड्रन स्पोर्ट, चिल्ड्रन स्पोर्ट, बच्चों को खेलते हुए देखना, बचपन की बात याद रखेंगे, ये ट्रिक भी है दोस्तों। तो ओ टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। आगे है देन सिंग, और उसके बाद मैं गाता हूँ, ई बर्ड्स, तुम्हारे लिए ओ पक्षियों सिंग सिंग ए जॉयस सॉन्ग, मैं तुम्हारे उस मधुर गीत को भी सुनता हूँ पक्षियों जो तुम चहचहाकर गा रहे हो। एंड लेट द यंग लैम्स बाउंड, और वह जो यंग लैम है, जो मेमना है, उसको मैं देखता हूँ वो भी इधर उधर उछल कूद कर रहा है। एज टू द टेबर्स साउंड, और वो ऐसे नाच रहा है जैसे कि टेबर यानी कि जो ढोल है उसकी जो आवाज है जो सभी जगह गूंजती है उसकी धुन पर वो नाच रहा हो। जो लाइन टू लाइन मीनिंग है दोस्तों वो मैं आपको समझाता हूँ क्या यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जो है दोस्तों वो संबोधित करता है बहुत सारे पक्षियों को और कहता है, ओ पक्षी तुम अपना मधुर गीत गाओ और अपना सुंदर गीत मुझे भी सुनाओ जिसको सुन करके मैं भी आनंदित हो जाऊं, और तुम मधुर मधुर गीत गाओ। एंड लेट दाई यंग लैम्स बाउंड, और वो है जो छोटा मेमना है उससे भी वो कहता है कि भाई तू भी उस आनंद में नाच, उस संगीत की धुन पर, उस टेबल की धुन पर, उस ढोल के नगाड़े पर तू नाच और तू भी आनंद मना, क्योंकि ये सारी चीजें उसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं दोस्तों। तो ये आप कह सकते हैं कि बड़ा ही सुंदर डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ पर किया है हर इवेंट का बड़ी बारीकी से। तो याद रखिएगा, देन सिंग किसको कहा है, पक्षियों को कहा है कि सभी पक्षियों से वो कहने हैं ड्रेसिंग करते हुए कि ये बर्ड्स तुम सारे पक्षी जो है सिंग गाओ, सिंग एक जॉयस सॉन्ग, एक मधुर गीत गाओ, एंड लेट द यंग लैम बाउंड, और अपने उस मधुर गीत पर उस छोटे मेमने को भी नाचने दो, उस ढोल की आवाज पर नाचने दो जो ढोल सारे घाटी में या सारे प्राकृतिक वातावरण को मधुरम बनाता है। इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी होगी दोस्तों, मेहनत आपको करनी है, मैं केवल समझाने का आपको एक प्रयास कराऊं। वी विल ग्राइव नॉट, रेदर फाइंड स्ट्रेंथ इन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड। वी विल ग्राइव नॉट, हम दुखी नहीं होंगे, रेदर फाइंड हम तो वास्तविकता का पता लगाएंगे, उसको समझेंगे, स्ट्रेंथ अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, इन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड जो भी कुछ पीछे छूट जाता है वो छूट जाता है। यहां पर कहा जा रहा है दोस्तों, वी विल ग्राइव नॉट, हम दुखी नहीं होंगे यदि हम उन बचपन की यादों को भूल गए हैं। अपनी इस युवावस्था में हम जो बचपन की यादों को भूल गए हैं तो हम उस पर शोक प्रकट नहीं करेंगे, रेदर फाइंड बल्कि हम खुश हो जाएंगे और समझेंगे और स्ट्रेंथ अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, इन व्हाट रिमेन्स बिहाइंड जो भी कुछ यादें हमारे मस्तिष्क में बची रह गई हैं, उन यादों के कारण ही हम अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखेंगे। तो वी विल ग्राइव नॉट, हम शोक नहीं करेंगे यदि बचपन की वो दैवीय यादें हैं हमारे से दूर चली गई हैं। इस लाइन को विशेष रूप से आप ध्यान रखें, वी विल ग्राइव नॉट, हम दुखी नहीं होंगे, हम युवा हुए हैं, बचपन हमारा चला गया, हमारे बचपन के साथ वो जो यादें थी दैवीय यादें स्वर्ग की यादें वो चली गई, परंतु इस बात पर हम शोक नहीं मनाएंगे क्योंकि हम युवावस्था में अपने मस्तिष्क के लिए उस ऊर्जा की यादों के साथ ही क्या करेंगे, अपने जीवन को और ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे। और दोस्तों ये इस कविता की लास्ट लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको ध्यान से आप सुनिएगा। वो कहते थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट, शुक्रिया धन्यवाद मनुष्य के हृदय के लिए, बाय विच जिसके द्वारा वी लिव, हम रहते हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर में एक हृदय रूपी एक वस्तु एक चीज है जिसके द्वारा वह संचालित होता है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उसका जो फिलोसफिक मीनिंग है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, और इसकी सॉफ्टनेस के लिए, इसकी मृदुलता के लिए इसका धन्यवाद। इट्स जॉय, इसके आनंदों के लिए, एंड फियर्स, और इसके दिए गए भय के लिए, छोटे छोटे डर के लिए।
टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव, टू मी मेरे लिए द मीनेस्ट फ्लावर, जो मीनेस्ट फ्लावर है दैट माने जो ब्लोज एंड गिव, खिलता है ब्लो करता है एंड गिव और दे सकता है, क्या थॉट्स, थॉट्स दैट डू ऑफन लाइक टू डी फॉर टीयर्स। दोस्तों बहुत ही गहरी बात यहां पर कह दी, तो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगी, तो आइए मैं इसको पहले बैकग्राउंड आपको बताता हूं, फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, इन लाइनों में, इन अंतिम पंक्तियों में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो अपने हृदय का धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि यदि मनुष्य के अंदर हृदय ना होता तो वो सुख और दुख का अनुभव न कर पाता, वो जो संवेदनशीलता है उसको न समझ पाता, वो जो भय है उनको न समझ पाता। इसलिए इन पंक्तियों के माध्यम से वो अपने हृदय का, मनुष्य के अंदर जो हृदय है उसका धन्यवाद देता है, उसको एड्रेसिंग करते हुए वो कहता है, थैंक्स टू द मींस टू द थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय को धन्यवाद, बाय विच जिसके द्वारा विलीव हम रहते हैं। मींस कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के अंदर यदि हृदय ना होता तो हम कुछ भी ना समझते, हमारी सिंपैथी ना होती, हमारी काइंडनेस हमारे साथ ना होती, हमारी दया हमारे साथ ना होती, हमारा क्रोध हमारे साथ ना होता, हमारा सम्मान हमारे साथ ना होता। इन सबको यदि समझने की हमारे अंदर शक्ति है तो वो हमारे हृदय की वजह से है। आगे कहते हैं, थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इसके मृदुलता के लिए, इसकी शांति के लिए, इट्स जॉयस, इसके आनंदों के लिए, जो भी आनंद इस हृदय की वजह से हमने प्राप्त किए हैं उसके लिए इसको धन्यवाद। एंड फियर्स, और जो भी इसकी अनुभूतियां थी, चाहे वो सुखद हो, भय से रहित हो या भय वाली हो, उन सभी के लिए इसको धन्यवाद। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर, और चूंकि ये हृदय है इसीलिए मैं सुंदरता को देख सकता हूं, मैं फूल का मुस्कुराना, फूल का खिलना, उसकी खुशबू को महसूस करता हूं, और जब मैं उसकी खुशबू को देखता हूं, उसकी सुंदरता को देखता हूं, तो मेरा हृदय आभार से भर जाता है। यही आभार मेरे को और ज्यादा आभार प्रकट करने के लिए आगे की ओर प्रेरित करता है, तो मैं अपने हृदय को, मनुष्य के हृदय को धन्यवाद देता हूं। थॉट्स दैट डू ऑफन, और मैं उस फूल की सुंदरता को देख करके, उसकी खुशबू को देख करके, जो मेरे अंदर बहुत सारे विचार उत्पन्न कराती है, उसको देख करके, दैट डू ऑफन लाइक टू डीप फॉर टीयर्स, वो इतने गहन है इस हृदय की वजह से, मेरे अंदर उस फूल को देख करके इतने गहन विचार सुख और दुख के ओरिजिनेट हो जाते हैं दोस्तों, कि उनको मैं न तो सुख के आंसुओं से न दुख के आंसुओं से मैं उनको व्यक्त नहीं कर सकता। तो इस लास्ट लाइन को आप जरूर समझें, थॉट्स दैट डू ऑफन लाइक टू डीप, इसका मतलब दोस्तों इतना गहरा कि उसको व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। रिमूव टू आपने पढ़ा होगा, वही है टू, ये न तो सुख के आंसुओं से न दुख के आंसुओं से उनकी थॉट्स के लिए इस हृदय को धन्यवाद, उस प्रकृति के तत्व को धन्यवाद। तो ये है दोस्तों ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी में विलियम वर्ड्सवर्थ का स्पिरिचुअलाइजेशन। ये वह अवस्था है जब विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रकृति के हर तत्व में ईश्वरीय शक्ति का आभास होता है। तो दोस्तों ये कविता बहुत जरूरी थी मुझे आपको पढ़ाना। अब सीधे सीधे ट्रिक के माध्यम से कुछ मीनिंग बता करके मैं आपको दोस्तों कोटेशंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और मेरी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वर्ड्सवर्थ की कोई भी कविता नहीं पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िए, अगर आपके पास समय नहीं है तो। लेकिन ये दो वीडियो जो मैंने बनाए हैं इनको देखें, और इसके बाद मैं 99 क्वेश्चन केवल कोटेशंस के लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, और उसके बाद सीधे हम तैयारी करेंगे। एक टेस्ट जरूर मैं वर्ड्सवर्थ का लूंगा, उसके बाद हम तैयारी करेंगे दोस्तों मिल्टन की, मिल्टन को हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो ये 99 क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों टोटल ये कोटेशंस के मैंने बनाए हैं और आपके लिए बनाए हैं, इनको कुछ हम समझेंगे, कुछ हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और यदि आपको याद ना हो, कुछ भी ना हो, तो इन 99 क्वेश्चंस को आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इम्पोर्टेंट लाइन से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों तो इन्हीं से पूछा जाएगा, और मैंने बहुत ही मेहनत करके
ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। बहुत समय लगा मुझे इनको तैयार करने में, इनको टाइप करने में, इनको सेट करने में। तो प्लीज आप अगले वीडियो को देखें और देखने के बाद, उनको नोट करने के बाद, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि किसी भी माध्यम से, देखिए दोस्तों, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाइएगा, परंतु 99 क्वेश्चंस को आप याद जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।